हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेज बिरयानी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने चावल को अच्छे से धुलकर पकने के लिए रख दिया है। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, मेरा जो चावल है बनके तैयार हो चुका है और हमारे चावल जो है भरे हुए हैं, अलग अलग हुए हैं। आप देख सकते हैं हमने वेज बिरयानी के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स लिया हुआ है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, गोभी, मटर के दाने, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, बीन्स, शिमला मिर्च, और हमने दही, 2 बड़े टमाटर को बारीक कट कर लिए हैं, प्याज, धनिया और ये मिर्ची है, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और एवरेस्ट शाही बिरयानी मसाला हमने यूज़ किया है इसमें। सबसे पहले हमने हरी धनिया और ये जो आपको बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे बारीक। और अब आप हमारा देख सकते हैं तेल हो चुका है। इसमें हमने तेज पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची डाल दी है। अभी अच्छे से भून जाए उसके बाद हम प्याज डाल देंगे इसमें। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। और आप देख सकते हैं मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। प्याज हमारा लगभग हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके सारी सब्जियाँ डाल देंगे। हमने सबसे पहले इसमें गोभी डाली है, बीन्स, हरी मटर के दाने और शिमला मिर्च। सारी सब्जियों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। सारी सब्जियों को पहले हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसे हम अच्छे से ढक देंगे। और आप देख सकते हैं मेरी सब्जियां जो है हल्की सी पक चुकी है, लेकिन एक बार हम इसे और ढक देंगे। और जो हमने मसाले को पीसा था उसे भी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें जो हमने बारीक कट किए थे टमाटर उसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे शाही बिरयानी मसाले, उसके बाद मैं इसमें वो डाल दूँगी और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को भी हम अच्छे से डालकर मिक्स कर लेंगे। और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम ढक देंगे, जब तक जो हमारे मसाले हैं तेल ना छोड़ने लगे। मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से ढक देंगे। जब हमारे सारे मसाले जो है पक जाएंगे और हमारा टमाटर भी अच्छे से गल जाएगा, उसके बाद हम खोलकर अपना राइस मिक्स कर देंगे। और आप देख सकते हैं मेरी बिरयानी जो है अच्छे से मिक्स हो चुकी है। और आप देख सकते हैं मेरी बिरयानी जो है बनके